देखो तो इससे पहले हम लोग पड़े हुए थे ग्रास में, इससे पहले मुख गुहा पड़ गए थे। मैंने बोलता मुख गुहा के भाग्य में, मुख गुहा में, मुख गुहा के अंदर क्या होते थे आपके लाल ग्रंथि पाए जाते, तो चार एंजाइम, तीन लाल ग्रंथियां पाए जाते तो चार एंजाइम होते थे। एक एंजाइम के कारण होता था जीव की जीवाणुनाशी होता था, दो एंजाइम हुआ करते थे जो कि स्टार्च था मंड का पाचन करते थे, और एक एंजाइम जो होते थे भोजन को चिपचिपा बनाते थे। ठीक है, तो मुख गुहा क्लियर हो गया था। मुख गुहा के बाद दूसरा हमने लिखवाया था कि ग्रास नली, ठीक है, जिसको कहते हैं ग्रास नली। तो ग्रास नली होते क्या, मुख गुहा के जस्ट नीचे आता है तो ग्रास नली होता है। ये मुख गुहा होता है, उसके बस ये नीचे यहाँ पे, यहाँ हम लोग भोजन खाते हैं, यहाँ पे जहाँ भोजन को सरकता है। मैंने ऐसे ऐसे फिगर बनाया हुआ था ऐसे करके, तो ये तो मुख गुहा की बातें हो गई थी, और यहाँ जो सरकता है, यहाँ जहाँ से भोजन नीचे जाता है अमाशय की तरफ जाता है, तो वो जो होते हैं आपके ग्रास नली होते हैं। और ग्रास नली क्या होता है कि इसमें कल पाचन नहीं होता, ग्रास नली में पाचन नहीं किया जाता है, इसमें कल ये भोजन ढकने का कहता है। क्या होता है, ग्रास नली का केवल एक ही कार्य होता है, वो भोजन केवल ढकेलता है अंदर की तरह। वो कैसे, जब भोजन मेरा चिपचिपा बन जाता है म्यूकस के द्वारा, मुंह के अंदर म्यूकस बनता है, मतलब होता है एंजाइम, कौन सा एक लास्ट एंजाइम होती थी म्यूकस, जिसके द्वारा मुंह के अंदर चिपचिपा हो जाता था, भोजन क्या हो जाते थे चिपचिपा बन जाते थे, जिसको हम काइल कहते हैं। जब भोजन चिपचिपा बन जाता था तो वो काइल हो जाता था, जब भोजन चिपचिपा हो जाता था तो चिपचिपा होने के बाद भोजन को हम लोग ढकेलते हैं, तो भोजन को जो ढकेलने का कार्य करता है वो ग्रास नली करता है। अर्थात भोजन को ढकेलने का ग्रास नली करता है, और इसमें कोई पाचन नहीं होता, न इसमें कोई एंजाइम आते हैं, न इसमें कोई ग्रंथियां आती हैं, ये केवल इसका एक ही कार्य होता है, वो भोजन को अमाशय में ढकेलना। भोजन क्या कहता है, अमाशय के अंदर ढकेलना। मैंने बोला था पहला देखिएगा, हमने यहाँ पे लिखवाया था कि पहले कितने भाग में, फर्स्ट होते कूड़े आब का आहार नल में, जो आहार नली होते थे उसके अंदर मैंने पहला लिखवाया था कि मुख गुहा थे, पहला क्या था आपका मुख गुहा हुआ कहता था। सेकंड मैंने कहा था कि ग्रास नली थे, और मैंने थर्ड कहा हुआ था अमाशय, मैंने थर्ड कहा था अमाशय, और उसके बाद मैंने बोला था अगला जो होता छोटी आते होती थी, फिर कौन सी होती थी बड़ी आते हुआ करती थी, है ना जी, छोटी आत और बड़ी आत होती थी, फिर क्या होता था गुदा हुआ करता था। ये भाग मैंने बताया था, ये भाग आपके होते थे ग्रास नली के अंदर ही भागे, और इन्हीं आहार नली के अंदर, इन्हीं आहार नली के अंदर ग्रंथियां पाई जाती थी। तो मैंने बातें किया था मुख गुहा, मतलब आपकी पहली जो भाग हुआ करता था मुख गुहा, जहाँ पे हम लोग भोजन लिया करते थे, तो मुख गुहा में तीन लाल ग्रंथियां पाई जाती थी। उसके बाद उन्हीं के मुख गुहा में ही आपका चार एंजाइम पाए जाते थे। उसके बाद ये जैसे आपको क्लियर हुआ था, अब आप बातें करते हैं ग्रास नली, जो ग्रास नली की कार्य होती थी,